हेलो व्यूअर्स, मैं हूं रोहित। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं जनरल साइंस पार्ट 3 का। और आप लोग मेरे साथ मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो डिस्कशन होने जा रहा है टॉप 28 क्वेश्चन ऑन जनरल साइंस, ये दोस्तों RPF ग्रुप डी रेलवे ALP और टेक्नीशियन में आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी आप मुझे ऑन एकेडमी में फॉलो कर सकते हो। ऑन एकेडमी एक लर्निंग ऐप होता है, वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिए मुझे, तपन घड़ी सर्च कीजिए। और जहाँ पे मैं आपको रेलवे SSC के रिलेटेड आपको तैयारी का वीडियो बनाता हूँ, आप मुझे वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। जहाँ पे आपकी जो भी इशू है मैं मैसेज के जरिए मैं आपको कमेंट में आपको बता सकता हूँ। तो आप मुझे जाके ऑन एकेडमी में फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, एंटीफ्रीज इज ए मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर, फॉर्मिक एसिड एंड वाटर, मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। आंसर होगा ऑप्शन डी, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। एयर पॉकेट कॉजेस एयरक्राफ्ट टू लूज एल्टीट्यूड सडनली आर कॉज्ड बाय डेंस क्लाउड कवर, पोर विजिबिलिटी, टेम्परेचर इन्वर्शन, इंटेंस लो प्रेशर इन वैलीज दैट सक इन एयर। आंसर होगा फ्रेंड्स डी, इंटेंस लो प्रेशर इन वैलीज दैट सक इन एयर। क्वेश्चन नंबर 3 को आगे बढ़ते हैं। एसिड रेन किसके लिए होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड ट्रीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ फिश, डैमेज टू बिल्डिंग, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों ये ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, क्योंकि सारे के लिए ये होता है एसिड रेन। क्वेश्चन नंबर 4, रेड येलो एंड ब्लू आर नॉन एज, ये फ्रेंड होगा ऑप्शन ए आंसर, प्राइमरी पिगमेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में रेड ग्रीन एंड ब्लू ये प्राइमरी कलर है, रेड येलो ब्लू प्राइमरी पिगमेंट है, रेड ग्रीन एंड ब्लू प्राइमरी कलर है। क्वेश्चन नंबर 6 को बढ़ते हैं। द टर्म हाइड्रोफोनिक्स इज यूज टू डिस्क्राइब, ऑप्शन नंबर ए साउंड प्रोपेगेशन अंडर वाटर, कल्टिवेशन ऑफ प्लांट इन वाटर, ए डिजीज इन व्हिच पेशेंट डेवलप फियर ऑफ वाटर, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस व्हिच वर्क अंडर वाटर। ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स इन वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। द ओजन लेयर इन द अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, ये तो पता होगा आपको, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आपको प्रोटेक्ट करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एनर्जी मोमेंटम टेम्परेचर ये स्केलर क्वांटिटी है। ऑप्शन ए इज द आंसर। यू आर ट्रेवलिंग इन ए कार एंड थंडर स्टॉर्म सडनली टेक्स प्लेस, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? गेट आउट ऑफ द कार एंड लाई फ्लैट इन द फील्ड, लाई फ्लैट इन द कार, गो टू नियर बाय वुड पोल एंड स्टिक टू इट, स्टैंड बिलो ए ट्री। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप जा रहे हैं कहीं पे ट्रैवल पे और सडनली बिजली का जो तूफान आ गया, तो आप क्या करेंगे? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, गेट आउट ऑफ द कार एंड लाई फ्लैट इन द फील्ड, वो कार से बाहर आ जाइए और नीचे सो जाइए फ्लैट होके। क्वेश्चन नंबर 10 को आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट कोबाल्ट, ये पता होगा ऑप्शन ए, विटामिन B12 में कोबाल्ट ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 को आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड करेक्टली, वो कौन सा पेयर है जो करेक्टली कह रहा है? ऑप्शन नंबर बी जाइलम, वैस्कुलर टिश्यू जाइलम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ए पर्सन फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ऑन एंटरिंग इनटू एन अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑफ व्हीट ग्रेन्स, दिस इज लाइकली ड्यू टू द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया है वो स्टोरेज रूम में जहाँ व्हीट ग्रेन गेहूँ रहता है, तो इसीलिए हम जाने में दिक्कत होता है, मतलब सांस लेने में, वहाँ जब घुसते हैं सांस लेने में दिक्कत होता है। क्वेश्चन नंबर 13 को आगे बढ़ते हैं। द गैस व्हिच हैड लीक्ड आउट
ऑफ यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री इन भोपाल गैस। भोपाल गैस में जो लीक हुआ था गैस, वो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, उसमें कौन सी गैस जो लीक हुआ था वो क्वेश्चन पूछ रहा है। आंसर होगा ऑप्शन डी, मिथेल आइसोसिनेट। ओपियम इज ऑप्टन फ्रॉम, ओपियम पता होगा आपको जो गांजा ऑफिम बोलते हैं, तो वो कह रहा है ऑप्टन फ्रॉम लेटेक्स जूस, टेबलेट टाइप लेटेक्स, सीड कैप्सूल ऑफ ऑपियम पपी। ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सीड कैप्सूल ऑफ ऑपियम पपी। क्वेश्चन नंबर 15 को आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, वो कह रहा है कौन सा पेयर मैच नहीं हो रहा है। दोस्तों ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्केन्स। एल्केन्स यूजफुल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ये यूज नहीं होता है, एल्केन्स डाई मैन्युफैक्चर करने में यूज नहीं होता है, इसलिए ये मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 को आगे बढ़ते हैं। तो कलरिंग मैटर इन द प्रोसेस ऑफ ब्लीचिंग ऑफ टेक्सटाइल बाय द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर गैस, वो कह रहा है तो कलरिंग मैटर इन द प्रोसेस ऑफ ब्लीचिंग ऑफ टेक्सटाइल बाय द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर गैस, ऑप्शन बी ऑक्सीडाइज आंसर होगा इसका। वो कह रहा है ऑब्जर्व कर लेता है या ऑक्सीडाइज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है, ऑक्सीडाइज मतलब मिल जाता है उसके साथ। क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रोलाइट्स आर ये पता होगा आपको, आंसर होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, तीनों मिलके रहता है इलेक्ट्रोलाइट्स में, ना एसिड रहता है ना बेसिस रहता है, ना एसिड रहता है ना सॉल्ट रहता है, ना बेस रहता है ना सॉल्ट रहता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एसिड बेस एंड सॉल्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये बता हुआ आपको बायोगैस, ना कॉल ऑयल ये तो नहीं है नॉन कन्वेंशनल, बायोगैस इज द राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। द ग्रीन कलर ऑफ वाटर इन ए लेक इज ड्यू टू एल्जिया, एल्जिया जो शैवाल होता है वो ज़्यादा हो जाता है पानी में, लेक वाटर में, इसीलिए वो ग्रीन कलर दिखता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्लैट बोन्स आर फाउंड इन, ये पता होगा आपको स्कल में, स्कल में जो ब्रेन का स्कल होता है उसमें फ्लैट बोन मिलता है, नेक में तो आपको बैंड टाइप का स्कल बोन मिलेगा, लेग में तो ऐसे ही है, चेस्ट में तो रिब्स जैसा है, आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, ऑप्शन ए नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टेट्रिक एसिड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टेट्रिक एसिड। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉल विथ लीस्ट एस कंटेंट इज, लीस्ट एस कंटेंट एंथ्रासाइट में, एंथ्रासाइट जो कॉल है उसमें लीस्ट एस कंटेंट होता है। चलिए 24 की ओर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूज ऑफ टेट्रासाइक्लिन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूज ऑफ टेट्रासाइक्लिन, इट इज ए पेस्ट किलर, इट इज ए पी रिजर्वेटिव, इट इज यूज फॉर एयर प्यूरिफिकेशन, इट इज नॉन एज एंटी प्लेग ड्रग, इट एनहांस क्वालिटीज ऑफ एरोप्लेन फ्यूल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इट इज नॉन एज द एंटी प्लेग ड्रग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक, ये तो पता होगा आपको, रबर तो नहीं होगा, स्पॉन्ज नहीं होगा, ग्लास नहीं होगा, स्टील इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी स्टील सबसे ज़्यादा इलास्टिक है इनमें से जो चारों ऑप्शन है, स्टील। मिनरल वैक्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, पॉलीथर्स, हाइड्रोकार्बन्स, पॉली अल्कोहल। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी। व्हाइट कोल इज यूरेनियम आइस हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी डायमंड, इसका ऑप्शन होगा आंसर होगा 27 नंबर का सी, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। सन्स हीट रिचेस अर्थ बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन, ये पता होगा सन रिचेस टू अर्थ, ये रेडिएशन के माध्यम से होता है,
जो सूरज का पहली किरण जो पड़ता है अर्थ के ऊपर वो रेडिएशन से ही होता है। तो ये था आज टॉप 28 क्वेश्चन, और मैंने PDF और आंसर सब कुछ दे दिया इसमें। और आप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।